नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। जातिगत गन्ना पर नीतीश सरकार की अपील मंजूर। बिहार के इस जिले में मिले कोयला के दो बड़े भंडार। मणिपुर हिंसा के बीच बिहारियों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार अलर्ट। नीट परीक्षा 2023 में भूल कर भी न ले जाए ये चीजें। IPL 2023 के चैंपियन टीम की रवि शास्त्री ने की भविष्यवाणी। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जातिगत गन्ना पर नीतीश सरकार की अपील मंजूर। बीते गुरुवार को पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच के द्वारा राज्य में जातियों की गन्ना एवं आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली अखिलेश कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित कर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई थी और साथ ही डाटा शेयर या उनका उपयोग पर भी रोक लगा दिया गया था। वहीं बीते दिन हाईकोर्ट के इस फैसले पर राज्य सरकार के द्वारा हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के बेंच में रिव्यू पिटीशन डाला गया था और कोर्ट से यह निवेदन किया गया था कि इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। मालूम हो कि अब राज्य सरकार की इस अपील को कोर्ट के द्वारा मंजूर कर दिया गया है और अब इस मामले पर अगली सुनवाई कोर्ट के द्वारा 9 मई को की जाएगी। बिहार के इस जिले में मिले कोयला के दो बड़े भंडार। राज्य में अब कोयला की कमी नहीं होगी। बता दें, कोयला मंत्रालय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार के भागलपुर के मिर्जा गांव और लक्ष्मीपुर में कोयला के दो बड़े भंडार मिले हैं, जिससे यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में बिहार का कोयला भंडार और बेहतर हो जाएगा। मालूम हो कि इन दोनों कोयले भंडार की पहचान कोल माइन प्लानिंग और डीआईएन इंस्टीट्यूट लिमिटेड के द्वारा की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी रांची स्थित सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के गहन अन्वेषण और भूवैज्ञानिक विश्लेषण के द्वारा कहलगांव रेलवे स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर दूर मंदार पर्वत के पास कोयले का भंडार का पता लगाया गया था, जिसमें लगभग 340 मिलियन टन का भंडार था। मणिपुर हिंसा के बीच बिहारियों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार अलर्ट। इन दिनों मणिपुर में हिंसा की घटना देखने को मिल रही है। बता दें कि मणिपुर में हो रहे हिंसा के बीच बिहारियों की सुरक्षा को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को निर्देश दिया गया है कि वे मणिपुर में रह रहे बिहारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। सीएम नीतीश ने कहा है कि उनकी सुरक्षा को लेकर आप मणिपुर के मुख्य सचिव से बात करें और उनकी समुचित सुरक्षा की व्यवस्था करें। इसके साथ ही मणिपुर में रह रहे वैसे बिहारी लोग जो वापस अपने राज्य आना चाहते हैं, उनके वापस लौटने में मुख्य सचिव सुविधा उपलब्ध कराएं, जिससे वे बिना किसी परेशानी के सुरक्षित तरीके से बिहार वापस आ सके। मालूम हो कि इसको लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से एक विज्ञप्ति जारी कर मुख्य सचिव को निर्देश दिए गए हैं। बागेश्वर सरकार के आगमन को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। 13 से 17 मई के बीच नौबतपुर प्रखंड के तरेतपाली गांव में अपने कार्यक्रम को लेकर बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 13 मई को बिहार की राजधानी पटना आ रहे हैं। ऐसे में उनके आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। बता दें कि प्रशासन के द्वारा उनके तरेतपाली में रहने तक सुरक्षा का कड़ा घेरा बनाया गया है। इसके साथ ही उनके आगमन के दौरान एयरपोर्ट पर अधिक भीड़ न हो, इसके लिए भी जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है। उन्हें एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक लाने के लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। मालूम हो कि अधिकारियों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कार्यक्रम को लेकर और भीड़ प्रबंधन को लेकर आयोजन मंडल के साथ बैठक की जाएगी। इसके साथ ही असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए पुलिसकर्मी सादे लिबास में तैनात रहेंगे। वहीं रूट प्लान और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस बल की तैनाती से संबंधित सभी आदेश 12 मई को जारी किए जाने की संभावना है। एक महीने में महज 3 मीटर पटना मेट्रो सुरंग की खुदाई। पटना मेट्रो के निर्माण कार्यों को लेकर हो रही सुरंग की खुदाई एक महीने में महज 3 मीटर की गई है, लेकिन अब खुदाई के लिए मोइनुल हक स्टेडियम परिसर में करीब 16 मीटर नीचे बने सॉफ्ट में उतारी गई दोनों टनल बोरिंग मशीन अब रफ्तार पकड़ेगी। बता दें कि DMRC के अधिकारियों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सुरंग की 3 मीटर दूरी में 2 अस्थायी रिंग्स फिक्स कर दी गई है, जबकि तीसरे रिंग को लगाने की काम प्रगति पर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पटना मेट्रो परियोजना के कॉरिडोर 2 की पहली टनल बोरिंग मशीन का औपचारिक शुभारंभ 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा स्टेडियम परिसर में किया गया था। वहीं ऐसा कहा जा रहा है कि 2 अन्य TBM को सितंबर में गांधी मैदान स्टेशन पर लॉन्च किया जाएगा। बिहार में फिटनेस फेल गाड़ियों पर परिवहन विभाग ने ठोका तगड़ा जुर्माना। बीते दिन विशेष अभियान के तहत राज्य भर में परिवहन विभाग के द्वारा फिटनेस फेल गाड़ियों पर यातायात नियमों और मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के उल्लंघन को लेकर जांच अभियान चलाते हुए 2,660 वाहनों की जांच की गई, जिसमें से विभिन्न धाराओं के तहत 1,614 वाहनों पर जुर्माना लगाया गया।
मालूम हो कि इस दौरान परिवहन विभाग के द्वारा एक दिन में कुल 84 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल राज्य में वाहनों के फिटनेस जांच के लिए एक अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत हफ्ते में 2 दिन यानी कि मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार और शनिवार को व्यावसायिक वाहनों के लिए विशेष जाँच अभियान चलाई जाएगी, जिसमें हेलमेट सीट बेल्ट के साथ फिटनेस और परमिट का भी जाँच किया जाएगा। बता दें कि अभियान सभी जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी MPI और ESI द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। बिहार पुलिस एसोसिएशन के पदाधिकारियों का चुनाव 17 जून को 17 जून को बिहार पुलिस एसोसिएशन के पदाधिकारियों का चुनाव होने वाला है। बता दें कि इस दिन शाम 5 बजे तक मतगणना की जाएगी और फिर उसके बाद ही परिणाम घोषित किए जाएंगे। हालांकि मतगणना के बाद यानी कि 18 जून को बिहार की राजधानी पटना में बिहार पुलिस एसोसिएशन का 40वां महाधिवेशन आयोजित किया जाएगा। वहीं यह चुनाव समुचित तरीके से पूरा कराया जा सके, इसके लिए पटना के मैंगलस रोड स्थित एसोसिएशन कार्यालय में बिहार पुलिस एसोसिएशन के राज्य स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक भी की गई। मालूम हो कि इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 28 मई को शाम 4 बजे तक चलेगी और फिर नाम वापस लेने की तारीख 29 मई निर्धारित की गई है। वहीं प्रत्याशियों की सूची 30 मई को प्रकाशित कर दी जाएगी और फिर 17 जून को सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतगणना का कार्य चलेगा। हाल में लैंडस्लाइड के दौरान बिहार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में हुए लैंडस्लाइड में बिहार के 4 युवक उसके चपेट में आ गए और इस दर्दनाक हादसे में उनकी जान चली गई। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा बिहार के इन 4 युवकों के शवों को मलबे में तलाशने की कोशिश की जा रही है। वहीं जैसे ही इस हादसे की जानकारी मृतक के परिजनों को मिली, उनके घरों में कोहराम मच गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये 4 युवक बिहार के किशनगंज के दिघल बैंक प्रखंड स्थित बैडबन्ना गाँव निवासी है, जो नेपाल में मजदूरी करने के लिए गए थे। वहीं मजदूरी करने के दौरान पहाड़ गया और चारों उसकी चपेट में आ गए और उनकी मौतें हो गई। मालूम हो कि मृतकों की पहचान सिराजुल हक के बेटे अजीमुद्दीन, मैनुल हक के बेटे मोहम्मद अब्दुल, मोहम्मद इकरामुल के बेटे मोहम्मद तौसीफ और अब्दुल रहीम के बेटे मोहम्मद मजफ्फर के रूप में की गई है। नीट परीक्षा 2023 में भूल कर भी न ले जाएं ये चीजें। अगर आप भी 7 मई से होने वाले नीट UG एंट्रेंस एग्जाम 2023 में भाग ले रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि इस परीक्षा को लेकर NTA के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मालूम हो कि जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार परीक्षा हॉल में परीक्षार्थी रत्न ताबीज, धातु से बनी वस्तुएं जैसे अंगूठी, ब्रेसलेट, कान की बाली, नोज पिन, चेन, हार, पेंडेंट, बैच, ब्रोच, बड़े बटन वाले कपड़े पहनकर प्रवेश नहीं पा सकते। इसके अलावा परीक्षार्थियों को यह भी सलाह दी गई है कि वह चप्पल या सैंडल जैसे खुले जूते पहने। वहीं परीक्षार्थी हॉल में परीक्षार्थी पेन पेंसिल पारदर्शी बोतल में पीने का पानी, प्रवेश पत्र और एक मूल फोटो पहचान पत्र लेकर प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा परीक्षार्थियों को परीक्षा हॉल में किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की भी मनाही की गई है। ऐसे में यदि कोई परीक्षार्थी के पास यह मिलता है तो उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है। दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर अली अशरफ फातमी की बड़ी मांग। दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने को लेकर JDU नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सह JDU के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी के द्वारा केंद्र सरकार से मांग की गई है। यह मांग करते हुए उन्होंने कहा है कि हमारी डिमांड है कि जल्द से जल्द दरभंगा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिले और साथ ही टर्मिनल के कंस्ट्रक्शन की भी शुरुआत कर दी जाए, रात में भी उतरने की सुविधा हो। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट पर जहाजों की भी सुविधा बढ़ाई जाए और स्पाइसजेट पर जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जाए, टिकट के दामों में कमी आ सके इसके लिए और भी फ्लाइट की डायरेक्ट सर्विस शुरू की जाए। यहाँ रनवे की भी कमी है, जिस वजह से फ्लाइट लैंडिंग में परेशानी होती है और लैंडिंग नहीं हो पाती है। बिहार के BDO ने जारी किया अपने संपत्ति का ब्यौरा। राज्य भर के BDO के द्वारा वर्ष 2022-23 में अर्जित किए गए अपनी संपत्ति का ब्यौरा ग्रामीण विकास विभाग को सौंप दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य के अधिकतर BDO की पत्नी के पास 20 लाख से अधिक सोना चांदी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन BDO के पास सबसे अधिक संपत्ति है उनमें अररिया जिले के भड़गामा BDO समेत कई BDO के नाम शामिल है। मालूम हो कि कई BDO के पत्नी के पास 400 ग्राम से अधिक सोना है, तो वहीं कई BDO के द्वारा बिहार की राजधानी पटना के आसपास जमीन व फ्लैट खरीदने का ब्यौरा भी दिया गया है। इसके अलावा कई BDO ऐसे हैं जिनका राज्य से बाहर भी जमीन और फ्लैट है। प्रशांत किशोर के साथ राजनीति में फिर होने वाला है कुछ बड़ा। इन दिनों चुनावी राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपने जनसुराज पदयात्रा पर हैं और लगातार गांवों में घूम घूम कर लोगों से संवाद कर रहे हैं। मालूम हो कि अभी हाल ही में उनके टीम में 6 पूर्व IAS शामिल हुए थे। वहीं अब यह उम्मीद की जा रही है कि प्रशांत किशोर फिर राजनीति में कुछ बड़ा करने वाले हैं।
दरअसल कल यानी कि 7 मई को बिहार के 12 और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी प्रशांत किशोर के अभियान से जुड़ने के लिए पटना के जनसुराज कार्यालय में सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। मालूम हो कि ये सभी आईएएस अधिकारी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सरकार में बड़े पद पर काम कर चुके हैं। इसके साथ ही ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में जनसुराज से डॉक्टर और इंजीनियर भी जुड़ने वाले हैं। लालू के साली सुभाष यादव समेत 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। पटना जिला के बीटा थाने में पूर्व राज्यसभा सांसद और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साले सुभाष यादव पर जबरन जमीन रजिस्ट्री कराने के आरोप में शिकायतकर्ता भीम वर्मा के द्वारा FIR दर्ज करा दिया गया है। बता दें कि सुभाष यादव समेत 7 अन्य लोगों पर भी इस मामले को लेकर FIR दर्ज किया गया है। मालूम हो कि शिकायतकर्ता के द्वारा जमीन की रजिस्ट्री जबरन कराने के साथ साथ सुभाष यादव और अन्य 7 लोगों पर रंगदारी धोखाधड़ी और अपहरण की कोशिश का भी आरोप लगाया गया है। फिलहाल इस मामले को लेकर वरीय पुलिस अधिकारी के निर्देश पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मालूम हो कि मामले को लेकर शिकायतकर्ता इससे पहले मुख्यमंत्री के दरबार तक पहुंच चुके थे। इसके बाद ही यह आदेश दिया गया कि मामला दर्ज किया जाए। शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया कि सुभाष यादव से कुल 96 लाख रुपए में बिक्री किया गया और पैसा भी दिए गए, लेकिन सुभाष यादव के द्वारा पैसे भी ले लिए गए और जमीन भी वापस नहीं की गई। IPL 2023 के चैंपियन टीम की रवि शास्त्री ने की भविष्यवाणी। टीम इंडिया के पूर्व मुख्य कोच और दिग्गज क्रिकेटर रवि शास्त्री के द्वारा वर्तमान में हो रहे IPL 2023 के 16वें सीजन के चैंपियन टीम को लेकर स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत करते हुए एक बड़ी भविष्यवाणी की गई है। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि इस IPL सीजन का चैंपियन गुजरात टाइटंस हो। उन्होंने कहा कि मौजूदा फॉर्म और टीम में मौजूद खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस को देखते हुए मुझे विश्वास है कि गुजरात इस सीजन ट्रॉफी कर सकता है। इस टीम में निरंतरता और लचीलापन है। वहीं 7-8 खिलाड़ी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शनिवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.98 रुपए और डीजल 94.70 रुपए प्रति लीटर है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 107.98 रुपए और डीजल की कीमत 94.71 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.60 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.02 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, कन्हैया कुमार, अभिषेक राज, रंजीत कुमार झा, बिट्टू कुमार झा, अनवर करीम खान, नन्नू गोलू कुमार, शंकर मुखिया, के सिन्हा, मोटू रंगीला, रविशंकर, मोहम्मद सकीर हुसैन, देव देवानंद देव, नीतीश कुमार और नौशद अंसारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार क्या रवि शास्त्री के द्वारा किए गए भविष्यवाणी के अनुसार IPL 2023 का चैंपियन टीम गुजरात टाइटंस होगा या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।